क्या आप अक्सर मिरर के सामने से गुजरते वक्त अपने पार्टिंग को थोड़ा बड़ा पाते हैं या फिर नहाने के बाद ड्रेनेज में बहुत ज्यादा बाल अटके मिलते हैं? हालांकि इसके लिए कई सारे इलाज मौजूद हैं, हम आज आपको इसका असली कारण पहचानने में मदद करेंगे जो आपकी इस तकलीफ को जड़ से दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसमें जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि थोड़े बहुत बाल झड़ना एकदम नॉर्मल है और बालों के कुदरती ग्रोथ साइकिल का हिस्सा है जो तीन फेजेस में होता है। पहला स्टेज होता है एनजन, जिसमें बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और इसका टाइम पीरियड कहीं 2 से 8 साल के बीच में होता है। कैटेजन पीरियड वहाँ होता है जब आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है और झड़ने की तैयारी करते हैं। ये 2 हफ्तों तक चलता है और आपके बालों का 3% इस स्टेज का हिस्सा होता है। आखिरी आता है टेलोजन, जहां आपके हेयर फॉलिकल पूरी तरह रेस्ट करते हैं और कोई ग्रोथ नहीं होती। ये करीब 100 दिन तक चलता है और आपके बालों का 8% होता है। महिलाओं में बालों का झड़ना जेनेटिक कारणों की वजह से हो सकता है, जिसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनिक एलोपीशिया कहा जाता है, जिसमें सिर का ऊपरी हिस्सा फैलने लगता है, खासकर 40 या 50 की उम्र में। ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि नए बाल पुराने की तुलना में बहुत कमज़ोर और पतले हैं। फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपीशिया भी बहुत सी महिलाओं में एक प्रकार की बालों की तकलीफ है, जिसमें सामने की तरफ या स्कैल्प मार्जिन पर बाल कम होते नज़र आते हैं। इसकी वजह से सामने के बाल कम हो सकते हैं। ओरल पिल्स, स्टेरॉइड इंजेक्शंस या ग्रोथ टॉनिक्स ट्राइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इसका सबसे बेहतरीन इलाज है। जब एकदम से कुछ विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक कम हो जाता है तो बालों का झड़ना कॉमन है। विटामिन डी, सी, आयरन, जिंक और बायोटिन का लेवल कम होने से जड़ों का कमज़ोर होना और स्पॉट बॉल्डनेस का कारण है। बालों के झड़ने के अलावा कमज़ोर नाखून, कमज़ोरी और थकावट भी इनकी कमी के संकट हैं। एक बार पता लग जाए कि इनमें से किस चीज़ की कमी है तो फिर कई प्रकार के सप्लीमेंट मौजूद हैं, जिसे खाने के साथ खाया जाए तो फिर ये समय के साथ आपके बालों को रीग्रोथ में मदद करते हैं। अचानक से बहुत सारे बाल झड़ना किसी पहले से मौजूद बीमारी का इशारा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोलॉन्ग हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपके पूरे स्कैल्प पर थोड़े से बाल बचते हैं, बजाय एलोपीशिया जैसे बीमारियों के, जिसमें कुछ ही एरियाज में असर पड़ता है। जिन्होंने अभी बेबी को जन्म दिया है या मेनोपॉज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा बाल झड़ने का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर के बाहर के कुछ कारण, जैसे रोजाना कठोर क्लेंजर इस्तेमाल करना, गर्मी, प्रदूषण और हीट टूल्स आपके बालों को पतला और कमज़ोर बनाते हैं। इसीलिए अगर आप उनमें से हैं जिनके बाल बहुत ड्राई है और नहाने के बाद बाल झड़ते हैं, तो सौम्य केमिकल और हीट मुक्त ऑप्शंस चुनें। हमें उम्मीद है कि इससे आपको अपने हेयर फॉल की असली वजह पहचानने में मदद होगी, जिससे आप इसका बेहतर इलाज कर सके। Until next time, stay tuned and stay glamorous.